सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल इज ओन क्लासेस माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एंड टॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्लीवेज यस्टर डे वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेजम्स बेस्ड ऑन वट डज द ब्लास्टोपोर डेवलप्ड फर्स्ट इन टू यानी कि आपका ब्लास्टोपोर सबसे पहले क्या बनाता है माउथ या एनस उस हिसाब से हमने क्या किया था आपके ऑर्गेनिजम्स को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था दैट वर प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स तो so, उनके एग्जाम्पल्स को एक बार दोबारा से हम लोग रिकैपिचुलेट करेंगे और प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में आपकी क्लीवेज का पैटर्न भी डिफरेंट होता है उन दोनों क्लीवेज पैटर्न को भी हम लोग समझेंगे जिससे लॉन्ग टर्म तक हम इन्हें याद रख सकें और बाकायदा हम इन्हें सीख पाए ना कि सिर्फ हम याद रखें बट हम इन्हें समझ भी पाए सो लेट स्टार्ट गाइज सो अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है उजोन क्लासेस वी डू हैव अनदर बैकअप चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम है ओजोन क्लासेस टू पॉइंट टू तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोनों चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इफ़ यू आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अपन विपिन शर्मा बायोलॉजी दट्स माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आई डी सो दिस इज अनदर वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मॉर्निंग बाइक जहां पर हम रोज सुबह कुछ नया सीखते हैं कुछ अच्छा सीखते हैं जो कि कन्वेंशनल बुक्स में यूजअली गिवन नहीं होता सो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन एवरी मॉर्निंग मैं रोज सुबह जो है सात बजे से पहले एक सेशन डालता हूँ विदाउट एनी डिले तो यहां पर देखो यार हम लोगों ने क्या सीखा था कल के सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं इनमें आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर बनता है ये आपका माउथ में कन्वर्ट हो जाता है यानी प्रोटोस्टोम्स आर दोज एनिमल्स जिनमें आपका ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा यानी इनके अंदर माउथ पहले बनेगा एंड आपका एनस एंड में बनेगा राइट सो इनके एग्जाम्पल क्या थे आपका एनलिडा यानी वगैरह आपका आर्थरोपोदा यानी कि इंसेक्ट वगैरह और आपका मोलस्का यानी शेल्ड ऑर्गेनिज्म वगैरह राइट इसके जस्ट अपोजिट में इसके जस्ट कंट्रास्ट में क्या हो रहा था आपका डुटेरोस्टोम्स में जो आपका ब्लास्टोपोर था यह किसमें कन्वर्ट हो रहा था दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन एनस यानी आपका एनल पोर पहले बन रहा था एंड आफ्टर दैट आपका माउथ डेवलप हो रहा था यानी देर वॉज अ टाइम इन योर लाइफ वेन यू आर नथिंग बट अनल पोर राइट सो एनल पोर पहले बनता है और माउथ बाद में तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है इसमें आप भी आते हैं तो इकाइनोडम आर द एग्जाम्पल ओके आर द एग्जाम्पल एंड कॉर्डेट्स आर द एग्जाम्पल जिनके अंदर सारे वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं यानी ह्यूम भी आ जाते हैं राइट सो so, ये तीनों आपके ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल है अब इनके अंदर अगर आप क्लीवेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एट सेल्ड स्टेज जो है इसके ऊपर स्पाइरल क्लीवेज हो रही है स्पाइरल क्लीवेज मतलब ये ये जो सेल्स हैं हैं आपके स्पाइरली डिवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे so राइट देखें तो okay? नीचे वाले सेल right? जो आपके बेस पर है ये आपके कंपेरेटिवली बड़े अगर आप रेडियल क्लीवेज देखो तो यहां पर आपके सेल्स जो है कंपेरेटिव साइज के होते हैं यह यहां पर डायग्राम थोड़ा सा आपका मिसरीडिंग है इसलिए मैंने नई स्लाइड ऐड किया उसमें मैं आपको दिखा देता हूं तो so यहां पर देखिए कि क्लीवेज कैसे होती है और रेडियल क्लीवेज कैसी होती है पहले हम वो देखेंगे समझने में आसान है सेल ओके दिस सेल गॉट डिवाइडेड इंटू टू सेल ये सेल जो आपका दो सेल में डिवाइड हुआ तो इस तरीके से आपके दो सेल डेवलप हो गए फिर ये दो सेल आपके चार सेल में कन्वर्ट हो गए तो इस तरीके से आपको चार सेल देखने को मिले वन टू थ्री एंड फोर ओके okay, फिर क्या हुआ ये इस तरीके से डिवाइड हुए तो आपको इक्वल सेल्स देखने को मिले ओके वन टू थ्री फोर एंड नीचे की साइड आपको देखने को मिला फाइव सिक्स सेवन और जस्ट इस ग्रीन वाले के पीछे एट सो आपको इक्वल सेल्स देखने को मिले सो दीज आर इक्वल इन साइज फिर इनमें जब आपकी फर्दर बाइफर्केशन हो जाएगी इस तरीके से तो वन सिंगल सेल विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इन टू सेल्स अगेन सो दिस एट सेल विल बी कन्वर्टेड इंटू अन सेल्ड स्टेज फिर इसी तरीके से आपका 32 सेल स्टेज बनता जाएगा जिस हिसाब से आपकी माइटोसिस होती जाएगी आपके ज्यादा ज्यादा सेल्स जो हैं क्लीवेज के बाद डेवलप होते जाएंगे तो ये आपका रेडियल क्लीवेज है जहां पर आपका डायरेक्टली रेडियली जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं ओके इसके जो है रेडियस के तौर पे एक एक्सिस पास होती है और वो आपके सेल को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देगी स्पाइरल क्लीवेज क्या होता है स्पाइरल क्लीवेज में आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है या फिर क्या बनाया हुआ है देखो यहां पर आपके चार सेल्स हैं इन चार सेल्स में यानी इनिशियल आपके एक से दो बने दो से चार बने ये आपका सेम प्रोटोकॉल था ये दोनों में आपका सेम होगा इसके बाद क्या हुआ आपका यहां पर स्पाइरल क्लीवेज जब होगा तो आपके नीचे वाले जो सेल होंगे जो बेस 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 वाले सेल होंगे राइट इफ इफ आर 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 फोर फोर सेल्स सेल्स प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन ऑन लाइक दिस अगर जमीन पर रखे हुए तो कुछ ऐसा व्यू आएगा जो हमारी तरफ है वो हमें ज्यादा बड़े दिखाई देंगे और इनके पीछे जो है वो हमें पूरे दिखाई नहीं देंगे बट वो यहां पर है

यानी यानी मैक्रो यूनिट्स बड़े वाले सेल ओके okay? और इनमें फिर स्पाइरल स्पाइरल क्लीवेज क्लीवेज होती होती है कैसे होती है कैसे अगर आप समझ लो एक प्याज काटने के लिए एक मशीन आती है जिसमें क्या होता है आप लोग उस हैंडल को जब घुमाते हो ना तो आपका क्या होता है वो चीजें स्पाइरली घूमने लग जाती हैं उन पर ब्लेड्स लगी रहती हैं जो ऐसे कॉइल्ड होती हैं वो क्या करती हैं प्याज को आलू को काटते हुए चली जाती हैं और उन्हें छीनती हुई चली जाती हैं सिमिलरली यहां पर क्या होगा आपने टॉप के सेल्स को पकड़ा और आपने घुमा दिया घुमा दिया ओके okay, अब बहुत तेज तेज घुमा रहे हो तो ऊपर के जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं राइट right? तो इस तरीके से आपकी जो क्लीवेज होती है जहां पर आप इन्हें स्पाइरल ओरिएंटेशन में घुमा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज योर स्पाइरल क्लीवेज और द स्पाइरल डिवीजन बट अगर आप उन्हें सीधा काट रहे हो स्लाइसिस में जैसा आप एक एप्पल को काटते हो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द रेडियल क्लीवेज सो आप लोग डायरेक्टली एप्पल पकड़ो उसे चार पीसेस में काट दो दैट इज रेडियल बट अगर समझ लो आप लोग एक बैलून में करते हो बैलून आपका फूला हुआ है बिना ही बात आप लोग उसके ऊपर की मुंडी पकड़ के घुमाने लग जाते हो राइट right, जो छोटी सी हो जाती है दैट इज अ काइंड ऑफ स्पाइरल क्लीवेज तो आपका नीचे वाला जो बैलून का पार्ट है दैट इज बड़ा वाला पार्ट मैक्रोमेयर ऊपर वाला आपका माइक्रोमेयर और काफी बार अलग अलग साइजेस के अगर सेल्स होते हैं तो मीडियम साइज जो सेल होते हैं उन्हें आप मीजोमेयर बोल के भी डेजिग्नेट कर सकते हो मीजोमेयर मतलब मीडियम साइज वाले तो यहां पर अगर आप देखोगे टॉप पर सो तो आपका जो रेडियल क्लीवेज है रेडियल क्लीवेज के टॉप पे अगर आप देखोगे आपको दिख रहा है सारे सेल लगभग लगभग एक जैसे हैं

स्प्लिट होकर दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा राइट सो दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल क्लीवेज। इस डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करो जो आपका में हो रही थी, okay, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट okay, ये आपको समझना था यहां पर सो so काफी बार स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता कि रेडियल और स्पाइरल होता क्या है सो फॉर दैट आई मेड दिस वीडियो ऑल द थिंग्स क्लियरली आपको पता लगे माइक्रोमेयर क्या है मीजोमेयर क्या है मैक्रोमेर uh, क्या ये आपकी टर्म्स पूछी जा चुकी हैं दैट्स वॉय मैं इस पर इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं कि आपको पता लगे कि हाँ यार इससे क्वेश्चन भी आ रहा है और इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है क्योंकि नॉर्मल जो स्टूडेंट जो सिर्फ एनसीआरटी पढ़ रहे हैं उनसे आपको कुछ एडिशनल पता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मैं चार नंबर की लीड पे रहूंगा राइट right? चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज ओजोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइबर ग्रोथ बहुत बहुत कम है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं बिकॉज मैं विदाउट एनी डिले दिन की चार वीडियोस आप लोगों के लिए रोज लेकर आ रहा हूं इंक्लूडिंग द डीपीपी सेशन सो अगर आप इस कंसिस्टेंसी की यू नो अप्रिशिएशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फैलाइए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं यार अगली वीडियो में थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लव एंड ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच